हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल क्लासी भव में। तो फ्रेंड्स, ये रहा बेहद सुंदर और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस एकदम बेकरी स्टाइल चोकोनिला केक। और आज ही केक हमने बनाया है बिना दूध के, बिना दही के, बिना एग या ओवन के, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट से। और इस केक की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इसे बनाने और डेकोरेट करने के लिए हमने बाजार से लाए हुए एक भी केक टूल का इस्तेमाल नहीं किया है। और इसलिए आज आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने केक मेकिंग और डेकोरेशन के सारे केक टूल्स खुद ही घर पे बनाए हैं, वो भी बड़ी आम सी चीजों से। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। हमारा केक बनाने के लिए आज हम केक टिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये एक स्टील का डब्बा है जिसका जो बेस है वो फ्लैट है। तो हैंड्स मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और अभी हमारे डब्बे के साइज को और इसके बॉटम को बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो अपने इस डब्बे के लिए मैं बना रही हूँ बटर पेपर। तो इसके लिए मैंने एक नॉर्मल पेपर ले लिया है, A4 शीट पेपर, कोई भी प्लेन पेपर आप ले सकते हैं। डब्बे को हम पेपर के ऊपर रखेंगे और अब पेंसिल की हेल्प से हम डब्बे के साइज का निशान लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे इस पेपर पे, और जो सर्कल हमें मिला है उसको हम काट लेंगे। और गाइस, जो पेपर पे स्पॉट जैसे दिख रहे हैं आपको, ये ऑयल के स्पॉट्स हैं जो हमने अभी ग्रीस किया था। इसको हम डालेंगे अपने डब्बे के बेस पे और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। तो गाइस, ये बन गया हमारा बटर पेपर। हमारा केक टिन तैयार है, इसको अभी के लिए रखेंगे साइड में। साथ ही एक पतीले में फायर स्टैंड डाल के लो आंच पे मैंने इसे प्री हीट करने के लिए भी रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए आज हम कोई भी मेजरिंग कप या स्पून नहीं यूज करेंगे, इसीलिए कप के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मीडियम साइज का ग्लास। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्लास बॉटम से लेके अब तक पूरा का पूरा बराबर है, मतलब कहीं पे पतला कहीं पे चौड़ा नहीं है। तो इससे क्या होगा, मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट आएगा। तो इस ग्लास से मैं कप की सारी मेजरमेंट करूंगी। साथ ही मैंने दो तरह के चम्मच ले लिए हैं, बड़ा चम्मच और छोटा चम्मच, और इनसे हम टीस्पून छोटे वाले से और टेबलस्पून बड़े वाले की मेजरमेंट के हिसाब से चलेंगे। तो अब एक बोल में मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास गरम पानी। इस गरम पानी में अब मैं डालूंगी 1/4 कप या 1/4 ग्लास ऑयल और 1 चम्मच वनीला एसेंस। इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे साइड में। तो अभी मैंने एक दूसरा बोल ले लिया है, इसमें मैं रख रही हूँ छन्नी। इसमें मैं डालूंगी 1 ग्लास या फिर 140 ग्राम मैदा, 3/4 कप या फिर 90 ग्राम पिसी हुई शक्कर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और ये देखिए मैंने लेवल अप करके 1 चम्मच लिया है यहाँ पे, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। और अब इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे बोल में। तो इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्स देंगे और अब मैं ले रही हूँ हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स, और इन वेट इंग्रेडिएंट्स को हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे। वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमें इसका एकदम स्मूथ और लव फ्री बैटर बनाना है अभी। और फ्रेंड्स, ये बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है अभी, तो इसमें करीब 3 बड़ा चम्मच गुनगुना पानी मैं अभी और ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर देंगे। और ये देखिए हमारा एकदम लम्प फ्री और स्मूथ बैटर बन चुका है। तो इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 1.5 छोटा चम्मच विनेगर। आप इसकी जगह पे 2 चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं, इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बढ़िया सा केक बैटर बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, जो हमने अपना टिन तैयार करके रखा था उसमें हम ये बैटर ट्रांसफर कर देंगे। टिन को हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए बैटर और उसके सारे बड़े एयर बबल जो भी हैं वो निकल जाएं। पतीला भी बिल्कुल अच्छे से प्री हीटेड है हमारा, तो अपना केक टिन हम ट्रांसफर कर लेंगे पतीले के अंदर। वापस ढक्कन लगा के पतीले का भी लो आंच पे हम अपने केक को बेक होने देंगे करीब 35 से 40 मिनट तक, या फिर जब तक कि एकदम अच्छे से बेक नहीं हो जाता। अवन में केक बनाने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को 30-35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली 35 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना अच्छा फूला है केक। तो अभी हम अपने केक के सेंटर में टूथपिक प्रिक करके देखेंगे और ये देखिए एकदम क्लीन बाहर आई हमारी टूथपिक, मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अभी केक के टिन को बड़े वाले पतीले से बाहर निकाल के केक को कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। और ये देखिए हमारा केक भी अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसने अपने साइड्स भी लूज कर दिए हैं। तो इस केक को अभी हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्लीनली हमारा होममेड बटर पेपर निकला है केक से, और ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है हमारा केक। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बना रहे हैं अपनी होममेड टर्न टेबल। तो इसके लिए मैंने एक कुकर को उल्टा करके रख लिया इस तरह से, और इसके ऊपर मैं उल्टा करके ही एक थाली भी प्लेस कर ले रही हूँ। और ये देखिए बन गई हमारी टर्न टेबल।
तो अब इसी पे रख करके हम अपने केक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले मैं चाकू से निशान लगा लूंगी केक के चारों तरफ, और उसके बाद धागे को इन्हीं निशानों में फंसा के धागे के दोनों एंड्स को पकड़ के अपनी तरफ खींचूंगी, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट लेयर केक की निकल के आ जाएगी। ना केक बोर्ड बनाने के लिए मैंने एक गत्ता ले लिया है, आप चाहें तो कोई पुरानी फाइल वगैरह भी ले सकते हैं, जस्ट दैट गत्ता या फाइल दोनों ही इतने स्टिफ होने चाहिए कि केक का वेट ले पाए, राइट। तो जैसा कि हमें पता है इस वाले डब्बे में हमने बनाया था अपना केक, तो जो केक बोर्ड होगा वो इस डब्बे से करीब करीब 1 या 1.5 इंच बड़ा होगा, और इसीलिए मैंने एक प्लेट ले ली है जो कि इस डब्बे से करीब 1.5 इंच बड़ी है, और इसी से नाप लेके हम गत्ते पे निशान लगा लेंगे पेंसिल से। अब कैंची से इसे कट कर लेंगे, और ये गोल गत्ते का बेस निकल आया। तो अभी मैंने ले लिया है इस तरह का एक सिल्वर ग्लेज पेपर जो कि बड़े आराम से किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है, और इस पेपर को उल्टा करके जिस प्लेट से नाप करके हमने गत्ता काटा था उसी प्लेट से नाप करके उसी साइज का गोला एक और काट लेंगे ग्लेज पेपर का। अब हम ले लेंगे गोल वाला काटा हुआ गत्ता, और ग्लू की हेल्प से हम सिल्वर ग्लेज गोल वाला पेपर इसके ऊपर चिपका लेंगे। और यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि ग्लू ऐसी यूज करिएगा जिसमें कोई भी स्मेल ना हो, और बन गया हमारा केक बोर्ड। अब इसको हम सूखने के लिए धूप में रख देंगे या फिर पंखे में रख देंगे। नाउ केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी के लिए मैंने एक बोल ले लिया यहाँ पे, जिसे मैंने आधे घंटे फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम, और साथ ही मैंने एक बोल में इस तरह से आइस क्यूब्स ले लिए हैं, इनके ऊपर मैं बोल प्लेस कर रही हूँ ये व्हिप क्रीम वाला। और अब मैं ले रही हूँ एक हैंड विस्कर, आप चाहें तो फॉग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज अब हैंड विस्कर लेके हम क्रीम को करेंगे विप विप एंड विप, तब तक के लिए जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते हैं। क्रीम में हमारी ऑलरेडी शक्कर है इसलिए मैंने शक्कर नहीं डाली इसमें, इन केस आपकी व्हिपिंग क्रीम में शक्कर नहीं है तो यहाँ पे 1/4 कप पिसी हुई शक्कर आप डाल लें इस वाली क्रीम में। और फ्रेंड्स हैंड विस्कर से विस्क करने का क्रीम को एक ही तरीका है कि बस आप इसको विस्क करते जाइए बिल्कुल डेडिकेटेड होके, क्रीम को ठंडा रखिए, और इसमें काफी टाइम लगता है, और जब ये कम्प्लीटली विप हो चुकी होती है स्टिफ पीक फॉर्म करने वाली होती है तो ये काफी टाइट होना शुरू हो जाती है। नाउ लुक एट दिस, स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हैं, मतलब हमारी क्रीम एकदम परफेक्टली विप हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है ना तो प्लीज उससे बीट कर लीजिएगा, क्योंकि हाथों से बीट करने में ना क्रीम को अच्छा खासा एफर्ट जाता है। हमारी क्रीम बिल्कुल तैयार है और अब अभी हम इसे फ्रॉस्टिंग करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ले लिया है ये चॉकलेट सिरप, और इसको मैं एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ। वैसे आप चॉकलेट सॉस का 10 रुपए वाला पाउच भी ले सकते हैं, अमूल का है, हर्षी का, बड़े आराम से मिल जाता है किसी भी ग्रोसरी शॉप में। तो अभी तक हमारा केक बोर्ड भी अच्छे से सूख चुका है, तो इसके बेस पे हम लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम। तो इस पे हम रख लेंगे हमारे केक की पहली लेयर। अब मैंने ले लिया है शुगर सिरप, यानी कि 2 बड़ा चम्मच शक्कर को 1/4 कप पानी में घोल के हमने यहाँ पे यूज किया है केक को मॉइस्ट करने के लिए। अब इस पे हम लगाएंगे हमारे क्रीम की लेयर अच्छी खासी, और क्रीम को स्मूथ करने के लिए हम आज स्पैटुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इस तरह की एक लंबी सी चाकू है मेरे पास, मैं इससे स्मूथनिंग करूंगी क्रीम की। अब इसके ऊपर हम डाल लेंगे चॉकलेट सॉस जो हमने निकाल के रखा था, और इसे भी चाकू से स्मूथ कर देंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम हमारे केक की दूसरी लेयर, रिपीट करेंगे प्रोसेस, शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे इसको, क्रीम लगा के इसको स्मूथ करेंगे, चॉकलेट सिरप डाल के चॉकलेट सिरप इस पे फैलाएंगे। अब लगाएंगे हम इस पे हमारे केक की फाइनल और थर्ड लेयर, इसको भी मॉइस्ट करेंगे, इसके ऊपर भी अच्छी सी लेयर क्रीम की रखेंगे और स्मूथ करेंगे। और अब पहले हम केक के साइड्स पे क्रीम लगाएंगे और नियरली स्मूथ कर लेंगे इसको चाकू की हेल्प से। तो अभी मैंने ले लिया है जो कपड़े वगैरह हम खरीद के लाते हैं ना तो उनमें जो टैग लगा होता है वही ब्रांड वाला टैग है ये, और इसकी हेल्प से अभी हम स्मूथ करेंगे हमारे केक के साइड्स को। नाउ अब हम करेंगे अपने केक के साइड्स पे जिगजैग पैटर्न बनाने की तैयारी। तो इसके लिए ये देखिए मेरे पास एक ब्रांड का टैग है जो काफी स्टिफ है, ये देखिए काफी कड़ा है ये, इसको भी मैंने अच्छे से सैनिटाइज कर लिया था। और अब इस कार्ड के एक साइड पे हम सीजर की हेल्प से छोटे छोटे ट्रायंगल्स कट करते हुए वीडियो में दिखाए गए तरीके से जिगजैग पैटर्न क्रिएट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गया हमारा होममेड केक कोम। तो हमारे होममेड केक कोम को हम रखेंगे हमारे केक के साइड पे और सिंपली रोटेट करते जाएंगे केक को, और ये देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बन गई है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और अभी हमारी नाइफ से ही हम अपने केक के टॉप को स्मूथ कर लेंगे, और अब केक बोर्ड को क्लीन करके हम हमारे केक को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट हो जाने के लिए। और अब हम बनाने जा रहे हैं होममेड नोजल, और इसके लिए मैंने ले लिए हैं ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, और ये डिस्पोजेबल ग्लासेस तो आराम से अवेलेबल होती है हर जगह पे। तो अब सबसे पहले हम इन डिस्पोजेबल ग्लासेस को बीच से काट लेंगे और इन्हें कम्प्लीटली ओपन कर लेंगे, इनका बेस निकाल लेंगे और एक ग्लास के दोनों साइड से जो ट्विस्ट हो रखा है उसे काट देंगे।
नाउ अब हमें ये स्मूथ पेपर मिल गया है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और अब इसके एक पोर्शन से हम कोन के जैसा शेप क्रिएट कर लेंगे। अब हमें इसे एकदम अच्छे से सिक्योर कर लेना है सेलो टेप से, सो दैट ये बिल्कुल भी नहीं खुले। और अब एक सीजर की हेल्प से हम कोन के सेंटर पॉइंट पे जिगजैग वाले कट्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैं नोजल के टिप पे 5 कट्स बना रही हूँ, सो दैट ये स्टार नोजल बनके रेडी हो जाए। इससे बहुत अच्छे केक रोजेस और स्वर्ल्स बनते हैं दिस। और अगर आप चाहें तो इसी तरह से और भी नोजल्स बना सकते हैं और केक के डेकोरेशन के लिए हम इसे यूज करेंगे। ये देखिए स्टार शेप नोजल बनके तैयार हो चुकी है। तो सेम तरीके की दो नोजल्स मैंने बना ली हैं और अभी मैंने ले ली है इस तरह की थैली या पॉली बैग। ग्रोसरी से जब सामान लाते हैं ना तो इस तरह की थैली में मिलता है, वही वाली थैली है ये। इसको अच्छे से सैनिटाइज करके ये देखिए कॉर्नर जो है ना इस पे हम एक कट लगाएंगे और इस कट के अंदर से निकालते हुए हम नोजल सेट कर लेंगे और सेलो टेप से चिपका देंगे थैली और नोजल को साथ में मिलाते हुए। और टेप इस तरह से चिपकाएगा कि नोजल के कट्स कवर ना हो टेप से, और जो एडिशनल पॉलीथिन का हिस्सा लग रहा है ना आपको वो भी चिपका लीजिए सेलो टेप से। और नोजल के साथ हमारा पाइपिंग बैग तैयार है और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दोनों नोजल और पाइपिंग बैग तैयार कर लिए। हमारे पास इतनी क्रीम बची हुई है फ्रॉस्टिंग के बाद, तो इसमें से थोड़ी सी क्रीम लेके मैं एक अलग बोल में डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ पिंक जेल फूड कलर। अगर आपके पास है तो आप ये वाला स्टेप कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, डेकोरेशन तो हमेशा चॉइस की होती है। और एक में व्हाइट क्रीम डाल लेंगे और दूसरी में पिंक क्रीम डाल लेंगे, ये देखिए लाइक दिस। 20 मिनट के बाद हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है। तो गाइज मेरे पास पहले से मेल्ट करी हुई थोड़ी सी चॉकलेट एक थैली में रखी हुई थी, आप चाहें तो इसकी जगह पे चॉकलेट सॉस भी ले सकते हैं और इससे हम अब केक के साइड्स पे ड्रिप बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं ले रही हूँ हमारी दोनों कोन और अब इससे केक के टॉप पे फ्लावर्स का बॉर्डर बना लेंगे वन आफ्टर अनादर कलर के फ्लावर का, मतलब पहले वाइट फ्लावर फिर पिंक फ्लावर फिर वाइट फ्लावर फिर पिंक फ्लावर ऐसे करके। और फ्रेंड्स देखिए फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हैं, शेप भी बहुत ही अच्छी आ रही है हमारे घर के ही बने हुए नोजल और पाइपिंग बैग से, एकदम मार्केट के महंगे वाले प्रोडक्ट के जैसा ही रिजल्ट है इसका भी। और गाइस अभी मैंने थोड़ी सी चॉकलेट कद्दूकस करके ले ली है और इसको मैं हमारे केक के सेंटर में डाल ले रही हूँ। गाइस थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा फ्लावर के ऊपर ना गिरे, चाकू की हेल्प से इसको फैला लेंगे। तो गाइस अभी ना फ्लावर बनाने के बाद मेरे पास बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्रीम बची हुई, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि एक ही कोन में दोनों क्रीम्स ट्रांसफर कर ले रही हूँ, सो दैट हमारे बॉर्डर के लिए सफिशिएंट हो जाए क्रीम। ये देखिए दोनों कलर की क्रीम आने लगी अभी, इससे हम अभी केक के बेस पे भी डिज़ाइन बना लेंगे। तो इन फ्लावर्स पे मैं गोल्डन शुगर बॉल्स भी डाल रही हूँ, एक्चुअली ऑप्शनल है, हमारा केक तो ऑलरेडी बन चुका है पूरा। तो अब हम बनाएंगे अपने केक के लिए एडिबल बर्थडे टैग। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक चॉकलेट, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं डेयरी मिल्क वगैरह, और इस चॉकलेट को मैंने एक गर्म प्लेट के ऊपर रख दिया था 2-3 मिनट के लिए सो दैट ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो गई है और अभी हम इससे अपनी मनचाही शेप काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक गोल कटर जैसा ले लिया है, आप ढक्कन वगैरह कुछ भी ले सकते हैं और इससे हम इससे एक सर्कल शेप काट लेंगे। तो बेसिकली कोई भी शेप काट लें आप, ढक्कन से गोल काट लें या फिर स्क्वायर ही काट लें सिंपल नाइफ से। और एक छोटी थैली में मैंने डाली है थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम, इस पे लगाएंगे छोटा सा कट और अभी इससे हम लिखेंगे बर्थडे विशेस यानी कि हैप्पी बर्थडे अपने सर्कल वाली चॉकलेट पे। एंड लुक एट दिस, तैयार हो गया हमारा होम मेड एडिबल बर्थडे टैग। फाइनली हम इस पे रख लेंगे हैप्पी बर्थडे का हमारा बनाया हुआ टैग और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल चॉकोनिला बर्थडे केक। केक कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज क्लासी बाबा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो प्लीज आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना घर पे, आई एम श्योर सभी को बेहद पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।